हम सब घर वाले आइसोलेशन में हैं, ब्राय मेहरबानी खाने पीने की कोई भी चीज यहाँ ना भेजे। आप बाहर है, दो मिनट आपसे बात करनी है। तो बात लोगों ने मामूली समझा हुआ है, तो इसको मामूली ना लें। तो आप वाकई बाहर नहीं निकलेंगे? नहीं, हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे। इमरजेंसी की सूरत में भी आप बाहर नहीं आएंगे क्या? तो मोबाइल पे कोई पबजी वगैरह गेम में खेलते हैं आप? नहीं, पबजी नहीं, आजकल बंद की हुई है। ये कोरोना के बाद इंशाल्लाह फिर दोबारा खेलेंगे। बच्चे सारा दिन तंग करते हैं और लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, तो दिंगा मुश्ती करते हैं। आओ दर्द बांटते हैं, तुम दरवाजे में उंगली दो, फिर मिल के चीखे मारते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां खुर्रम और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन है और पाकिस्तान भी लॉकडाउन की पोजीशन में है। हुकूमत पाकिस्तान ने आवाम से घरों में रहने की तलकीन की है ताकि सब सेफ रहे। नाज़रीन, मैं इस वक्त एक ऐसी सोसाइटी के बाहर मौजूद हूँ जो कि ना सिर्फ हुकूमत के इस इकदाम का दिलो जान से साथ दे रही है, बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी आइसोलेशन में है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के प्ले कार्ड लगाए हुए हैं ताकि ना कोई अंदर आ सके और ना जा सके, ताकि इससे आपके करीबी रिश्तेदार दोस्त कोरोना वायरस से महफूज रह सके। जिस शख्स में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है, बराए मेहरबानी वह कॉलोनी से दूर रहें, दाखला ममनू है। और खुदा ना खास्ता अगर कॉलोनी के अंदर किसी में सिम्टम्स हैं, वो तो हस्पताल शिफ्ट हो जाए ताकि बाकी के लोग महफूज रह सकें। आपसे इल्तमास है कि अपने बच्चों को घरों में रखें, कॉलोनी से बाहर ना दे जाने दे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस। बहुत ज़बरदस्त मैसेज था, ऐसी एक मैसेज और भी है, लॉकडाउन में हुकूमत का साथ, आप महफूज, मुल्क महफूज। जैसा कि हुकूमत ने कोशिश की है, तो इसमें एक सोसाइटी जो बहुत ज़बरदस्त इकदाम है इनका, डिफरेंट किस्म के बैनर लगा के आगाही मुहिम इन्होंने दूसरे लोगों के लिए भी इन्होंने शुरू कर दी है। मेरे साथ इस वक्त सोसाइटी के चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज मौजूद है और इनसे पूछते हैं, ये जो बैनर लगाए हैं इन पे अमल दरामद भी हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी तरह इस पे अमल दरामद हो रहा है। इसमें किसी किस्म की किसी के लिए कोई ढील, कोई छूट नहीं है। ये लॉकडाउन के फैसले से पहले ही हमने इकदाम ये शुरू कर दिए थे कि आया कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी मुकम्मल हमारे पास एंट्री हमने बंद कर दी है। दो रास्ते थे, बैकयार्ड हमने बंद कर दिए है, और इसके अलावा जो डेली वेजर्स आते थे वो भी बंद हैं। और जो घरों में मेड्स, तक ऑलमोस्ट 95 घरों में मेड्स काम करती हैं, लेकिन ये देखें कि घर वालों की कितनी कॉपरेशन है कि उन्होंने उन्हें भी घर बिठा दिया, पेड लीव उन्हें दे दी हैं। फॉर फर्दर जब तक आगे कोई और मजीद ऑर्डर नहीं आता, हम गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं। तो कब से ये आपने बैनर लगाए हैं? ये इसको लॉकडाउन से भी पहले के हमने ये किए हुए। तो बारिशों में तो ये भीग जाते हैं? नहीं, पड़े हैं हमारे पास। और अच्छा, काफ़ी सारे आपने तैयार किए हुए हैं? तैयार किए हुए हैं, सोसाइटी के अंदर भी हैं, ये बाहर मेन पे भी हैं, हर जगह ही। ये जो बैनर है, ये सिर्फ खाली बैनर ही है या इसमें कोई अवेयरनेस है लोगों में, इस पर अमल दरामद हो रहा है? ये बैनर सिर्फ अलामती हैं, अदरवाइज प्रैक्टिकली अल्हम्दुलिल्लाह बैनरों की हमें ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकली आप देख लें कि मुकम्मल इस बात पर अमल हो रहा है, मतलब पूरी सोसाइटी जो है वो आइसोलेशन में है इस वक्त। अच्छा, जो घर के ज़रूरी चीज़ें होती हैं खाने पीने की, तो उसके लिए क्या किया आप लोगों ने? खाने पीने की चीज़ें जो हैं, पहली बात तो ये है कि बच्चों और बुज़ुर्गों को हमने टोटल आइसोलेट कर दिया है, और रज़ाकाराना तौर पर हर गली में जो यहाँ की यूथ है, यहाँ के यंग हैं लड़के, मेरे मुझ समेत, वो घरों का सामान लाने में हेल्प कर देते हैं। जिसे भी चाहिए, ज़रूरत है, वो मंगवा। बहुत ज़बरदस्त इकदाम है इन्होंने, यहाँ के सोसाइटी ने रज़ाकार चंद नौजवान लड़के इन्होंने तैयार किए हैं। घर के किसी भी फर्द को खाने की कोई चीज़ की ज़रूरत है, वो सब एक टाइम पे इकट्ठा होकर उनको बता देते हैं और वो मार्केट से उनको चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस सोसाइटी में और कौन कौन से ऐसे इकदाम आते हैं जिनमें बड़ी सख्ती से अमल दरामद हो रहा है? यही आइसोलेशन के ही एतबार से, बच्चे पहले हमारी सोसाइटी में बाहर खेलते थे, अब बच्चों तक का हमने दाखिला, यानी कि अपनी गली में भी नहीं होते बच्चे, टोटल घरों में ही। थोड़ा काम ये मुश्किल है बच्चों को घरों में बिठाने का, लेकिन क्या करें, फिर मजबूरी। अच्छा, बाहर से अगर किसी ने किसी घर वालों से मिलने आना है, कोई दोस्त किसी एमरजेंसी की सूरत में उसने कोई मैसेज पहुंचाना है या कोई ज़रूरी बात है, तो उसके लिए आप क्या उस सोसाइटी के लोगों को मिलने दे रहे हैं? नहीं, उसके लिए ऐसे है कि सबसे अहम चीज़ ये मास्क, वह दूध वाले जो कोई आते हैं उनके लिए ग्लव्स, हमने सेफ्टी मेजर सारे उन्हें अपना के, तो फिर उसके बाद
सैनिटाइज़र अगर उनके पास हैं ठीक है, नहीं तो मैं अपने पास रखता हूँ, बाहर से आने वालों को हम सैनिटाइज़र देते हैं। जिस घर में जाना हो अगर इंतहाई ज़रूरी है तो जाने देते हैं, नहीं तो गेट से ही वापस भेज। मतलब आप कहना चाह रहे हैं स्क्रीनिंग टोटल यहाँ पे करके फिर उस फर्द को सोसाइटी के अंदर आप आने की इजाज़त दे रहे हैं। तो आप अपने जो आप तो सिक्योरिटी इंचार्ज है, आपके अंडर जो स्टाफ है उनके लिए क्या हेल्थ कर रहे हैं कि आप भी कोरोना से महफूज रह सके, क्योंकि आप तो पूरी सोसाइटी की जो है हिफाजत पे जिम्मेदार हैं, तो उसके लिए आप क्या इकदाम अपने लिए कर रहे हैं? उसके लिए अपने लिए हमने यही इकदाम, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, बार बार हाथ धोने का है, मास्क हम प्रॉपरली इसका भी हमारे पास बहुत सख्ती से अमल करवा रहे हैं अपने अमले को, और सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ कर रहे हैं, यही जो हमारे पास सहूलतें हैं इसके अलावा। और आप हमें डिफरेंट सोसाइटी के अंदर जो घर है उनका विज़िट करवाएँ, और हम देखते हैं आगे नाज़रीन आगे जाके भी देखते हैं कि वाकई सोसाइटी के अंदर भी आइसोलेशन में हैं लोग या वो बाहर फिर रहे हैं। आइए चलते हैं और जाके चेक करते हैं। नाज़रीन इस कॉलोनी के अंदर तो वाकई मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, ना कोई बाहर आ रहा है ना जा रहा है, पूरी की पूरी जो कॉलोनी है वो इस वक्त वीराने का मंज़र पेश कर रही है, जैसा कि आपको कैमरे में बिल्कुल नज़र भी आ रहा है। गाड़ियाँ तो बाहर ही नज़र आएंगी आपको, लेकिन लोग इस वक्त अंदर मौजूद हैं। ब्राय मेहरबानी दरवाज़ा ना खटखटाएं, कोरोना वायरस की वजह से हम सारे आइसोलेशन में हैं, आपसे गुजारिश है हमारे दरवाज़े से दूर रहें और अपने घरों में रहें तमाम अहले खाना। ये एक और मैसेज मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है, पूरी की पूरी सोसाइटी इस वक्त आइसोलेशन में है। इन्होंने पब्लिक सर्विस मैसेज के बैनर भी चस्पा किए हुए हैं ताकि कोई आने वाला ये मैसेज पढ़ के खुद ही वापस चला जाए, क्योंकि ये पूरी की पूरी सोसाइटी आपको नज़र आ रहा होगा कि आइसोलेशन में है। आइए किसी और घर पे चलते हैं। हमारी घंटी ना बजाएं, दरवाज़े से भी दूर रहें, सारे मोहल्लेदारों और दोस्तों को मतला किया जाता है, हम फिल वक्त किसी से कोई रابطہ नहीं रखना चाहते, हम सब घर वाले आइसोलेशन में हैं, ब्राय मेहरबानी खाने पीने की कोई भी चीज़ यहाँ ना भेजें, हुकूमत की हदायत पे अमल करें, एमरजेंसी की सूरत में सिर्फ हमारे फ़ोन नंबर्स पर रابطہ करें, दरवाज़ा किसी सूरत नहीं खुलेगा। नाज़रीन पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पर हमने सोचा कि ये मैसेज भी आप लोगों को दिखाया जाए। तो आइए घर वालों से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि बाहर आए और इनसे पूछते हैं कि ये घर वाले क्यों आइसोलेशन में है। जी कौन? सर बाहर आए, मीडिया से हूँ, आपसे बात करनी है। यार ये बाहर बोर्ड लिखा नहीं हुआ कि हम बाहर नहीं आ सकते। ये बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने, हम अपनी आवाम को भी दिखाना चाहते हैं कि आप तो आइसोलेशन में है लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त आइसोलेट नहीं है, तो आप बाहर हैं, दो मिनट आपसे बात करनी है। लेकिन गवर्नमेंट ने जब ऐलान किया है लॉकडाउन का, तो लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन है। इस वबा को लोगों ने मामूली समझा हुआ है, तो इसको मामूली ना लें। तो आप वाकई बाहर नहीं निकलेंगे? नहीं, हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, हमें 6 दिन हो गए हम आइसोलेशन में हैं और तकरीबन 8 दिन और रहेंगे। तो आपको किसी चीज़ की जरूरत पड़ गई आप फिर भी बाहर नहीं आएंगे? नहीं, इंशाल्लाह हम लोग बाहर नहीं आएंगे, जब गवर्नमेंट कहेगी तो फिर बाहर आएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बाहर तो बिल्कुल नहीं आ रहे और कोशिश करते हैं। अच्छा, हमें सिक्योरिटी गार्ड ने भी सर बताया था आप इस मामले में काफ़ी हसास हैं, एमरजेंसी की सूरत में भी आप बाहर नहीं आएंगे क्या? देखिए, हमारा ये फ़र्ज है कि इस वक्त कोरोना के फैलाव को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए, और उसी सूरत में हो सकता है कि हम लोग आइसोलेशन में रहे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं आप सारा दिन घर में फिर करते क्या रहते हैं? सारा दिन हम लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं और बच्चों के साथ लूडो खेलते हैं। तो मोबाइल पे कोई पबजी वगैरह गेमें खेलते हैं आप? नहीं, पबजी नहीं, आजकल बंद की हुई है, ये कोरोना के बाद इंशाल्लाह फिर दोबारा खेलेंगे। तो मुल्क की जो सूरत हाल है फिर आपको कैसे पता चलती है? ये आप इमरान खान से पूछे, मुझसे ना पूछे। तो टीवी कोई ऐसी चीज मोबाइल पे यूट्यूब वगैरह तो यूज करते ही होंगे ना आप? हाँ, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अच्छा, आप तो बिजी हैं, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे सारा दिन तंग करते हैं और लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं और दिंगा मुश्ती करते हैं। हमने तो कोशिश की कि बाहर आ जाए लेकिन ये बाहर नहीं आ रहे, और बहुत अच्छी बात है वाकई बाहर नहीं आए, आइसोलेशन में है। और आइए किसी और घर पे चलते हैं और चेक करते हैं। कहते हैं जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई, ये सिर्फ बैनर नहीं बल्कि पब्लिक सर्विस मैसेज है, इसको आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
आगे जाने से पहले मैं एक ज़रूरी बात आपसे करता चलूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि इस तरह की नई नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। आइए चलते हैं और किसी और घर में बात करते हैं। 7 अप्रैल के बाद आप सबसे मुलाकात होगी, अगर लॉकडाउन ख़त्म हुआ, नहीं तो इंतज़ार फरमाएं और हमारे घर से दूर रहें। स्टे होम स्टे सेफ। आओ दर्द बांटते हैं, तुम दरवाजे में उंगली दो, फिर मिल के चीखे मारते हैं। थोड़ा फनी मैसेज भी इन्होंने दे दिया है, मतलब यही है कि आप बिल्कुल ना आए यहाँ पे, वरना आपकी उंगली दरवाजे में आ जाएगी और आपकी चीखे निकल आएंगी। तो बेहतर यही अपने घरों में रहें। हुकूमत के ऐलान पे 14 दिन का लॉकडाउन, अपने घरों में रहें, हमारे घर ना आए, दुआएं करें, नमाजें पढ़ें, महफूज रहें। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होने के बाद मुलाकात होगी। तब तक के लिए पास ना आइए, हाथ ना लगाइए, गेट का नज़ारा कीजिए दूर दूर से। शुक्रिया। आइए घर वालों से बात करने की कोशिश करते हैं कि कोई बाहर आ जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर बाहर आइएगा, आपसे बात करनी है 2 मिनट। नहीं, आपने एक बार देखा नहीं है, बहुत सुनी है। अच्छा, ये तो 14 दिन हुकूमत के ऐलान पे 14 दिन का लॉकडाउन है, आप अपने घरों में रहे, हमारे घर ना आए, तो आप क्या वाकई घर से बाहर नहीं आते? हाँ जी, हम अंदर ही हैं अभी घर के, आगे भी जब तक वो ऐलान नहीं करते हमने नहीं आना भाई। कितने दिनों से आप घर के अंदर हैं? जब से इन्होंने कहा तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं। घर के अंदर आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, बस बैठे हैं, कंप्यूटर है, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, बस यही रूटीन है। लेकिन घर में ही हैं, हम बाहर नहीं जा रहे। बच्चे तो नहीं तंग करते ज़्यादा आपको? करते हैं, आप क्या करें, बच्चे हैं, बच्चों ने करना होता है, करते हैं कुछ। तो बाहर आ ही जाएँ, आवाम भी देख लेगी 2 मिनट और बात भी हो जाएगी आपसे सही तरह से। नहीं, हमने नहीं आना, बच्चे देखें अभी पीछे से वादे दे रहे हैं हमने बाहर आना है, तो इसलिए मैं भी बाहर आऊँ तो पीछे से बच्चे भी हो रहे हैं, तो आप लेंगे हमने भी आना, हमने भी आना, तो इसलिए मैं... मतलब आप 7 तारीख को बाहर आएंगे जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा? इंशाल्लाह, उम्मीद तो है कि जल्दी हो जाए, कि जल्दी हो जाए ये ख़त्म। चलें जी, अल्लाह करे ये लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, अगर हम सब पाकिस्तानियों की सोच ऐसी होगी तो हम ज़रूर कामयाब होंगे और इस कोरोना वायरस से ज़रूर छुटकारा हासिल कर लेंगे। आइए मिल के अहद करें कि अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि हम सेव रहेंगे तो हमारा मुल्क सेव रहेगा, अगर मुल्क सेव रहेगा तो हम बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी बहाल कर लेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में, अल्लाह हाफिज़। आखिर में मैं यही कहूँगा, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।